मैं हूँ निगत असलम और आज का मौजू वादिये सिंध के खेल और खिलौने हैं जो मोहनजोदाड़ो से दरियाफ्त हुए हैं। खिलौने हर तहजीब का बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। वादिये सिंध की तहजीब से बहुत से खिलौने दरियाफ्त हुए जो ज़्यादातर मिट्टी के थे, जिसको बनाने के बाद पकाया जाता था, मगर मिट्टी के अलावा सीप, पत्थर और हाथी दांत से भी खिलौने बनाए जाते थे। मुमकिन है कि लकड़ी से भी खिलौने बनाए जाते हों। ये खिलौने जानवरों, मर्दों और औरतों के नकूश पर मबनी होते थे। मिट्टी के झुंझुने, तड़तड़ गाड़ियाँ और बैलगाड़ियाँ वादिये सिंध के आम खिलौने थे। बैलगाड़ियाँ वाला खिलौना बाकसरत दरियाफ्त हुआ। बैल का मुजस्मा खिलौने के तौर पर आम इस्तेमाल होता था। झुंझुने भी खासा बड़ा खिलौना था। गेंद की तरह गोल बनाकर उसे अंदर से खाली रखा जाता और खाली हिस्से में कंकर डाल दिए जाते, जिससे आवाज़ पैदा होती थी। चिड़िया की शक्ल की सीटी बनाई जाती थी। चिड़िया के दुम के पास एक सुराख होता था। सुराख के अंदर फूंकने से सीटी बजती थी। सीटी के अलावा भी चिड़िया की शक्ल के खिलौने कई तरह के दरियाफ्त हुए हैं। एक मुजस्मे में चिड़िया ने मुंह खोल रखा है, जैसे वो चूं चूं कर रही हो। चिड़िया के पिंजरे भी दोनों शहरों से मिले हैं। एक पिंजरे में चिड़िया बाहर को निकलती हुई नजर आती है। चिड़िया के अलावा बहुत से जानवरों के खिलौने हैं। बांस पर चढ़ते हुए बंदर, छोटे सींगों वाले बैल, गैंडे, भैंस, शेर, सुअर, बंदर, कुत्ता, खरगोश, बकरी, मछली, मगरमच्छ, कछुआ, मुर्गी, तोता, फाख्ता वगैरह के खिलौना नुमा मुजस्मे मिले हैं। कुछ बर्तन भी खिलौना ही मालूम होते हैं, क्योंकि वो साइज में बहुत छोटे हैं और ये बर्तन भी मिट्टी से बने हुए हैं और बांस पर बच्चों की उंगलियों के निशान भी हैं। बच्चों के लिए तराजू के छोटे छोटे पलड़े भी बनाए गए हैं, जिन पर डोरियां डालने के बाद सुराख किए गए। बच्चों के खिलौनों में से कुछ ऐसे जानवर भी हैं जिनके सार और धड़ अलग अलग बने हुए हैं। सार और धड़ को जोड़ने के लिए हुक का इस्तेमाल किया जाता था। सर गर्दन के अंदर एक हुक के जरिए धड़ को फंसाया जाता, फिर कुहान में एक सुराख करके उसके अंदर एक डोर डालकर सिरों में बांधी जाती थी। डोर खींचने पर सिरे हिलते थे। ऐसा बंदर भी मिला है जिसके हाथ हिलते हैं। कुछ खिलौने ऐसे हैं जिनमें धागा डालकर उन्हें आगे पीछे दौड़ाया जा सकता था। लड़कियों का खिलौना गुड़िया कहीं से भी दरियाफ्त नहीं हुई। शायद कपड़े से बनाई जाती होगी, इसलिए ज़ाया हो गई। बच्चों के अलावा बड़ों के खेल और तफरी का सामान भी दरियाफ्त हुआ है। पत्थर का इस्तेमाल जहां बाटों के लिए कहीं किया जाता था, वहीं पत्थर को पांसे बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। पांसे और बाट मोहनजोदाड़ो की अहम तरीन दरियाफ्तें हैं। पांसे का खेल पाको हिंद में बहुत मकबूल रहा है। बाद के ज़माने में राजा यदस्टर ने इसी खेल में हार कर अपना ताजो तख्त, हत्ता कि अपने और अपने भाइयों की मुश्तरका बीवी द्रौपदी भी हार दी थी। पांसे बताते हैं कि मुल्क में जुआ खाना आम था और वादिये सिंध के लोग जुआ खेलने के बहुत शौकीन थे। पत्थर के अलावा पांसे मिट्टी से भी बनाए जाते थे। पांसे में 6 मुख्तलिफ सिमतों में मुख्तलिफ तादाद में गोल निशान हैं। ये निशान 1 से 6 तक हैं और इनको इस तरह बनाया जाता था, हर एक के बिल मुकाबल 2 निशान होते थे। इस तरह 3 के बिल मुकाबल 4 और 5 के बिल मुकाबल 6 निशान होते थे। कुछ चकोर पांसों में 3 सिमतों में 1, 2 और 3 निशानात हैं और 4थी सिमत में लंबे खतूत हैं। कुछ पांसों में हर तरफ से तस्वीरी तहरीरें हैं जिनको पढ़ा नहीं जा सकता। शतरंज के प्यादों की तरह और पत्थर से बने हुए बहुत से मोहरे दरियाफ्त हुए हैं। वे हजम में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। आसार से मालूम होता है कि यहाँ चौसर और सरबगी किस्म के
खेल खेले जाते होंगे, मगर इनका नाम कुछ और होगा। एक ऐसी मोहर भी मिली है जिसमें दो परिंदे एक दूसरे पर झपट रहे हैं, जिससे ये साबित होता है कि परिंदे बाजी भी यहाँ का पसंदीदा खेल होगा।